अभी हमारी शादी याद है? हाँ, 6 नवंबर 2009 इस्कॉन टेंपल। यस, ओ गॉड, वो शादी, वो फेरे, वो रस्में, कितनी यादगार होती है ना शादियाँ, और उतनी ही ड्रामे से भरी होती हैं सीरियल्स की शादियाँ। जैसे देखो सीरियल स्वरागिनी में संस्कार की शादी है ड्रामे से भरी, वहां पर ड्रामा हो रहा है जोरदार, सीनावी। खुल गया गठबंधन, फेरों में लग गया ब्रेक, स्वरा ने रोक दी संस्कार और कविता की शादी। सास बहू और बेटिया जब पहुंचा कलर्स के शो स्वरागिनी के सेट पर, तो वहां चल रहा था शादी का ये महाड्रामा। जहां स्वरा सीधे जेल से भागकर पहुंच गई है शादी के मंडप में, कविता और संस्कार की शादी को रोकने। भाग के आई हूँ, जो पुलिस वैन थी मुझे दूसरे जेल में जिस वैन में शिफ्ट किया जा रहा था, वहाँ से मैं पुलिस वालों को चकमा दे के भाग के आई हूँ। और यहाँ पर जब आई तो फेरे वेरे हो रहे थे, तो वो रुक गए। आज सही मौके पर पहुंचकर स्वरा ने संस्कार को कविता के चंगुल से तो बचाया ही, साथ ही साथ कविता का पर्दाफाश भी किया और अपनी बेगुनाही साबित कर उर्वशी मौसी की असली कातिल कावेरी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस में कुछ ऐसी बात हुई जिससे मुझे पता चला कि जो कविता की माँ है कावेरी जी, वो जेल से छूट गई है, और ये सारी चीज़ें होना हो वो कर सकती है, कविता का साथ दे सकती है। सो यहाँ पर मुझे वो मिलती है, और उसके बाद संस्कार कविता के घूंघट में से वो चिप निकालता है जिसमें प्रूफ है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। सो वो मिलती है, और फिर बालकनी में जो खून था वो भी कावेरी जी के खून के साथ मैच होता है। सो सारे प्रूफ के साथ उन दोनों को वो लोग कल्प्रेट मान लेते हैं, और फिर उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे हमारा वैसे भी मेरी माँ का पुराना रिश्ता है, तो माँ को लगी तो बेटी को लगनी ज़रूरी थी, क्योंकि मैं तमाशे वाले की बेटी हूँ यार, तो तमाशा इज़ लाइक पार्ट ऑफ आवर लाइफ। माँ ये चाहती है कि ये प्रैक्टिस कर ले हथकड़ी बांधने की। भाई कविता और कावेरी की जेल जाने के बाद लगता है अब घर में सब कुछ ठीक हो गया है, अब स्वरा और रागिनी दोनों बहनें एक ही मंडप में शादी करने का अपना सपना पूरा कर पाएंगी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी कि शादी के पहले उसे आना है, और हमारे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं आया था जो हम कोर्ट में दिखा पाए उसके अगेंस्ट। तो बहुत खुशी होती है देख के कि वो खुद से ही आ गई है, और फाइनली प्रूफ भी मिल जाता है कि एक्चुअल मर्डरर कौन है। सो या फाइनली हमारा, मेरा और स्वरा का जो भी सपना है दोनों को साथ में शादी करनी थी, वो अब पूरा होगा। वैसे इस सब ड्रामे के बीच ऑफ स्क्रीन रागिनी बन गई है मस्तानी, और भाई हो भी क्यों ना, आज मस्तानी जैसा श्रृंगार जो किया है। बाप रे, ये लहंगा है पिंक कलर का, और कुंदन की ज्वेलरी है, और डायमंड वर्क भी है, नथनी है, मांगटी का है, पल्लू है जो एक अलग दुपट्टा दिया है, और जो एक्चुअल पल्लू है वो डिफरेंट है, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। तो चलिए भाई, स्वरा ने आज तो सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन अभी और भी ट्विस्ट आना बाकी हैं, जो कि स्वरा और रागिनी की शादी में दस्तक देंगे, जिसकी हर जानकारी आपको देगा आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां। शांतनु भटनागर, मुंबई आज तक।